नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनी मंत्रा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई इंडियंस वर्सेस RPS सेकंड IPL मैच का फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल के मैच में जो हमारा प्रीव्यू था, जो सेकंड टीम मैंने बताई थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल गई है। मैंने आपसे कहा था कि एक खिलाड़ी को रिप्लेस करके आप युवराज सिंह को रखिएगा, और मेरा जो कैप्टन था वो मोइसेस ओवाइस कैप्टन, मैंने आपको केदार यादव बोला था, वो काफ़ी बढ़िया रहा है वो। और आप देख लीजिए कि यहाँ से मुझसे एक गलती होगी कि मैंने यहाँ पे टाइनी मिल्स रखना था और गलती से मैंने एडम मिल रख दिया। मेरा रैंक ठीक आया है, अच्छा रैंक आया, लेकिन मैं और भी अच्छा यहाँ पे कर सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो स्पोर्ट्स अरीना में कल के मैच में मैं 1600 रुपया जीत गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है मेरी विनिंग कल के मैच में 1600 रुपये। और आप देखिए ये कल का मैच था RCB सनराइजर्स हैदराबाद का, 200, 250, 200 और 1000 रुपया। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी खेलता हूँ मैं एक टीम के साथ खेलता हूँ, आपको चाहे मैं 2-3 टीम्स दूँ ताकि आपकी विनिंग के चांस बढ़े रहें, मैं एक टीम के साथ खेलता हूँ और मैं सभी की सभी वेबसाइट्स में वही टीम लगाता हूँ। कल के मैच में मेरी जो प्रेडिक्शन है सक्सेसफुल गई, मोइसेस ने कल के मैच में परफॉर्म किया, क्रिक बैटल में भी मैं जीत गया हूँ, तो लगभग मेरी कल की अर्निंग जो है वो 3000 से ऊपर हो गई है। बाकी दोस्तों IPL की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, आशा करता हूँ कि आपके लिए भी बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन क्रिक बैटल के कुछ मैचेस का रिजल्ट आज आएगा कि वो कंबाइंड मैचेस थे। तो दोस्तों चलिए अब हम आज के मैच के प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। पिच कंडीशंस की बात करें तो वेन्यू है जो वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में है। बैटिंग के लिए ये अच्छी पिच हो सकती है। दोस्तों ये सेम वेन्यू है जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया था अभी रिसेंट जो हुआ है, तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि पिच कैसी है। स्पिनर्स के लिए पिच थोड़ी सहायता देगी एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। टीम न्यूज की बात करें तो मलिंगा नहीं खेलेंगे, असेला गणरत्ने नहीं खेलेंगे, स्मिथ इस बार कप्तानी करेंगे RPS की, अश्विन और मिशेल मार्श नहीं खेलेंगे, वो बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, और साउथी की इंजरी की न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं है। कोई न्यूज आती है तो मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, तो आप प्लीज एक बार मैच से पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर पॉसिबल 11 की बात करें तो धोनी, स्मिथ, रहाणे, मयंक अग्रवाल या फिर मनोज तिवारी भी खेल सकते हैं। फैफ प्लेसिस, बेन स्टोक्स, रजत भाटिया, शार्दुल ठाकुर, अंकित शर्मा, डिंडा और ताहिर या जांपा में से कोई एक खेलेंगे, तो जिसमें ताहिर के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा, पार्थिव पटेल, राइडू, बटलर, पोलार्ड, पांड्या, करुणाल पांड्या, हरभजन सिंह, मक्लैगन, बुमराह और साउथी। अगर साउथी नहीं खेलते हैं तो फिर मिशेल जॉनसन भी खेल सकते हैं। की प्लेयर्स की बात करें तो करुणाल पांड्या, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, स्मिथ एंड फैफ प्लेसिस। और प्लेयर टू वॉच आउट के बारे में बात करें तो बेन स्टोक्स और स्मिथ। अगर आपको स्टैट्स एंड गेम प्लान पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आपको टीम कैसे बनानी है इस मैच में। तो पहली जो मैं दोस्तों आपको टीम बताऊंगा उसमें जो पुणे की टीम है वो पूरी तरह डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए कुछ खिलाड़ी जैसे मैंने सेलेक्ट करनी है, धोनी, राइडू, स्मिथ, फैफ प्लेसिस, बेन स्टोक्स, करुणाल पांड्या, बुमराह, मक्लैगन। अब आपको 3 खिलाड़ी सेलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों रोहित शर्मा को मैंने इस टीम में सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी देर बाद वापसी कर रहे हैं, तो अभी उनकी जो फॉर्म है इतनी अच्छी नहीं होगी। आप देख लीजिए ये जो मैंने करुणाल पांड्या को रखा है ये मैंने एज अ बैट्समैन रखा है, एज अ बॉलर मैंने कम रखा है, और मैं हार्दिक पांड्या को भी सिलेक्ट करूंगा। बुमराह और मक्लैगन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग कराते हैं और अच्छी खासी विकेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर जांपा का खेलना कन्फर्म हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ताहिर के चांस ज़्यादा है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या आपको कन्फर्म हो जाता है ताहिर का, तो आप यहाँ पे ताहिर के साथ चले जाइए। अब दूसरा खिलाड़ी जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपके लिए एक और बॉलर होगा। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आठ में दोस्तों आप अंकित शर्मा के साथ जा सकते हैं या शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं, जो आपको लगता है कि पक्का खेलेंगे आप उनके साथ चले जाइए। अब दोस्तों आपको दूसरी टीम में कुछ खिलाड़ियों को रोटेट करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने हार्दिक पांड्या को बाहर निकाल दिया, धोनी को बाहर निकाल दिया और राइडू को बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे क्रेडिट्स भी पूरे करने हैं। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो विकेट कीपर में हम पार्थिव पटेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो भी अच्छी पारी कभी कभार खेल देते हैं, और अभी जो बॉलिंग लाइनअप है बेन स्टोक्स के अलावा इतनी भी बढ़िया नहीं है राइजिंग पुणे सुपर किंग्स की। तो यहाँ पे दोस्तों रोहित शर्मा को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से किसी का कन्फर्म हो जाता है, मयंक अग्रवाल या मनोज तिवारी, तो आप उन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपके पास बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे रजत भाटिया के साथ चले जाइएगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है। तो अब उसके पास बचेंगे आपके पास 2 खिलाड़ी। तो अभी के लिए सिर्फ क्रेडिट्स एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मयंक अग्रवाल के साथ चले जाता हूँ, बाकी आपको डिसाइड खुद करना है। तो बाकी दोस्तों फिर से एक बार आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप ताहिर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, दूसरा आप शार्दुल ठाकुर या फिर अंकित शर्मा में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपके पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया इस मैच में ऑप्शन है, स्मिथ है, फैफ प्लेसिस है और बेन स्टोक्स भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर मुंबई इंडियंस से आप देखना चाहते हैं तो आप करुणाल पांड्या के साथ एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो ये थी मेरे कल के मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू।
आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको सभी लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टीम अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी मनी मेकिंग ट्रिक आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे दोबारा आइएगा।